चुप रहने के हजार कलाएं होते हैं, पर चुप रहा नहीं जाता। सोचने के लिए हजार जगह दिमाग जाता है, पर कुछ ऐसा चीज जिसे आप सोच नहीं सकते। जिस चीज में आपका बेनिफिट होगा उस काम को बहुत वक्त लगेगा, जिस काम में आपका बेनिफिट नहीं होगा उस काम में आपका कोई काम नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा। तो उस मन को आपको एक जगह स्थिर करना है। स्थिर रखेंगे मन को तभी आप आगे कदम बढ़ाएंगे। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने मन को स्थिर करें। सबसे पहले आपको खुश रहना है। किसी प्रकार से अपने आप में खुशियां खुद अपने अंदर ही ढूंढिए। जब आप बाहर ढूंढने लगेंगे तो कभी आपको खुशी मिलेगी नहीं, आपको अपने अंदर ही खुशियां मिलेंगी। आप सोचोगे मैं गर्लफ्रेंड बना लूं या दूसरे जगह चला जाऊं, कभी नहीं। खुशी आपको मिलना होगा तो इसी कमरे में मिल जाएगा, इसी बेड पर मिल जाएगा, इसी बिस्तर में मिल जाएगा। नहीं होगा तो आप पूरे दुनिया में वर्ल्ड में चले जाओगे, आप दुखी ही रहोगे और दुखी होकर आ जाओगे। आप मन को बदलने जाते हो, खुश करने नहीं जाते हो। मन जब बदलता है, जैसे आप जाते हो कोई चीज़ नहीं लेके आते हो, फिर उसको अपने घर पे लाते हो, अरे यार, फिर आप सोचते हो जब घर पे बैठते हो, अरे यार मैंने वहाँ देखा था वो चीज़, वहाँ से मैं ये चीज़ लाया हूँ, अच्छा लग रहा है, पहन के देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मन का एक हिस्सा है। मन के इस कोने को आपको पहचानना है। जिस मन के इस कोने को आप पहचान जाओगे दुनिया आपको आसान लगेगी। आप आसान चीज को आपके अंदर है लेकिन आप ढूंढते हो जगह जगह गली गली। सही है। तो उस जगह को आपको कैसे ढूंढना चलिए बताती।